हेलो कृष्णा, हेलो हेलो। मेरी आवाज क्लियर है कृष्णा? है या नहीं है? क्लियर है साउंड? गुड इवनिंग सर, आई विल बैक इन 2 मिनट्स। यस क्लियर। ओके। खैर, शुरू कर देते हैं क्योंकि क्लासेस तो चलते रहेंगे। ओके। ओके, ये तो मैंने समझा दिया था। हाँ, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टर्म्स। ठीक है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे आज। तो जैसे कि मैं बात करता हूँ, एलनीनो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो लास्ट क्लास में एलनीनो में हमने क्या क्या चीजें समझी थी? ठीक है, व्हाट वी हैव लर्न्ड फ्रॉम द एलनीनो वाज दैट कि पैसिफिक जेट जो है वो स्ट्रेंदन होता है। अब कुछ चीजें समझो कि पैसिफिक जेट क्या स्ट्रेंदन होता है, कैसे काम करता है। ओके, तो मैंने बोला था कि तुम्हारा जो नॉर्मल कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा था, तुम्हारा ये तुम्हारा ऑसीज था और ये तुम्हारा इक्वेडर। ठीक है, मतलब ये पेरू वाला कोस्ट था और ये तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया वाला कोस्ट था। ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस में ऑस्ट्रेलिया में वार्म वाटर होता था, वार्म वाटर एवेपोरेट करता था, यहाँ पे क्लाउड बनाता था और यहाँ पे प्रिसिपिटेशन होता था। ठीक है, वहीं पे क्या होता था, यहाँ पे कोल्ड वाटर होता था, कोल्ड वाटर था। ठीक है, तो जिसके वजह से इक्वेडर और पेरू कोस्ट को फिशरीज उसका अच्छा होता था, तो प्रोडक्टिविटी उसकी हाई होती थी। ठीक है, अब धीरे धीरे जब एलिनो वाला साल आ गया तो क्या हुआ कि ये जो वार्म वाटर था इसकी शिफ्टिंग शुरू हो गई। शिफ्टिंग शुरू हो गई, ये धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया कोस्ट से खिसकते 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 तुम्हारा इक्वेडर और पेरू कोस्ट की ओर आ गया है। तो जब इक्वेडर और पेरू कोस्ट की तरफ वो आने लगा है तो इसका मीनिंग क्या है कि वहां का जो कंडीशंस था वो रिवर्स होके यहाँ पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ऐसा होगा तो ऑस्ट्रेलिया में तो बादल बनेंगे ही नहीं, तो बारिश होगा ही नहीं, तो ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉट कंडीशंस आएगा। और तुम्हारा अगर इक्वेडर की बात करें तो वहां वार्म वाटर आ जाएगा तो मछली वहां पे पैदा ही नहीं हो पाएंगे, मछली का डेथ हो जाएगा। क्योंकि तुमको पता है कि जो मछलियां होती हैं वो उनका जो घर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोरल्स। करेक्ट, दैट वी कॉल्ड एज कोरल्स। कोरल्स ही एक है जिसमें तुम्हारा क्या होता है, मछलियां रहती हैं। और कोरल्स जो है वो ग्रेटर देन 25 डिग्री पे, ग्रेटर देन 25 डिग्री पे जिंदा नहीं रह सकती है। 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा तो कोरल्स का डेथ हो जाएगा। वेन एवर देर इज अ डेथ ऑफ कोरल्स, इट कैन नॉट बिकम व्हाट, इट कैन नॉट बिकम ए फ्लोरिस्ड कोरल पॉलिप्स। ये अपना कॉलोनी नहीं बना पाएंगे, तो जैसे ही नहीं बना पाएंगे तो उनका डेथ हो जाएगा। डेथ होते ही तुम्हारा फिशरीज इंडस्ट्री खत्म, तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी खत्म, इक्वेडर और पेरू कोस्ट की जो इकोनॉमी होगी वो डाउन हो जाएगी। उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में ड्राउट आ जाएगा तो वहां पे भी डाउन हो जाएगा। तो दोनों तरफ से इक्वेडर एंड ऑस्ट्रेलिया और पेरू जिसकी भी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इक्वेडर एंड पेरू है, दोनों है, इक्वेडर एंड पेरू दोनों है, तो इनका तो नुकसान हो रहा है भाई। पेरू और ऑस्ट्रेलिया दोनों का ही नुकसान हो रहा है। तो एलिनो क्या करता है, एलिनो दोनों ही जगह को अच्छे से एक्सप्लोइट करता है। ठीक है, तो एलिनो का होना खराब है इन दोनों कंटिनेंट के लिए। अब इंडिया का इसमें क्या रोल है, अब बात करते हैं कि अगर तुम मान के चलते हो कि यहाँ पे वार्म वाटर है तो वार्म वाटर तो राइज कर जाएगा, तो जो भी विंड्स यहाँ से आएंगी सबके सब क्या यहीं पे कन्वर्ज हो जाएंगी। ठीक है, इसी में कन्वर्ज हो जाएंगी। वंस इनमें ये कन्वर्ज हो गई, कौन, ये सारी की सारी हवा अगर इनमें कन्वर्ज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये सारी की सारी हवा थोड़ा कन्वर्ज हो जाएगा इसमें। जैसे ही ये कन्वर्ज हो जाएगा क्या हो जाएगा इससे, ये अगर सारी की सारी हवा यहाँ कन्वर्ज कर गई क्या होगा इससे, इशू इन हवाओं के कन्वर्जेंस की वजह से क्या होगा इशू, ये हवा जब भी कन्वर्ज करेगी तो इससे कुछ इश्यूज क्रिएट होंगे।
क्या इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं? ये हवा अगर ज्यादा कन्वर्ज कर रहे हैं यहाँ पे तो इससे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे क्या, कि जो हवा है ये तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया कोस्ट को पार ही नहीं करेगी। कोई भी ट्रेड विंड्स, पहले भी हम पढ़ चुके हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड विंड्स, जब हम विंड बेल्ट के बारे में समझ रहे थे पहले यूनिट में, ठीक है, तो वहां पे बताया गया है कि ट्रेड विंड्स क्या होता है, कैसे आता है। तो वही ट्रेड विंड्स जो आना था वो तुम्हारा क्या होगा, वो तुम्हारा यहाँ पहुंच ही नहीं पाएगा। तो जब यहाँ पहुंच ही नहीं पाएगा तो ये क्या होगा, ये ऑस्ट्रेलिया कोस्ट भी क्रॉस नहीं करेगा। तो अगर ये ऑस्ट्रेलिया कोस्ट को क्रॉस ही नहीं करेगा तो तुम्हारा इंडिया तक भी नहीं पहुंचेगा। तो इंडिया में, इस वजह से इंडिया में भी उस साल मानसून जो होता है खराब होता है, क्योंकि जो मानसून का विंड होता है वो भी तुम्हारा ऐसे ही घूम के आता है, मतलब ऑस्ट्रेलिया से ऐसे होके ऐसे घूम के आता है, तो वो आएगा ही नहीं। यही चीज यहाँ पे बता रहा है, ठीक है, ये चीज को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि बहुत ज्यादा ड्रॉट आया था इंडिया में 1997 में, 2002 में एंड 2004 में, ये सारे के सारे जो साल थे ये एलिनो ईयर थे, इस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे, करेक्ट। चलो अब हम बात करते हैं थोड़ा वेदरिंग पे, ठीक है। आज वैसे तो मैंने सॉयल एंड हाइड्रोलो जियोलॉजी की बात की थी, बट हम थोड़ा वेदरिंग को भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है ना ये तुम्हारा वेदरिंग है, तो वेदरिंग जानना जरूरी है भाई। वेदरिंग क्या होता है, कैसे होता है, क्या कारण होता है, ये सब जानना तुम्हारे लिए जरूरी है। तो देखो वेदरिंग के तीन टाइप होते हैं। पहला जो वेदरिंग होता है वो तुम्हारा, एक मिनट, अच्छा रजवाना ज्वाइन कर ली है, हेलो रजवाना, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, एक मिनट, कुछ इशू हो रहा है मेरे को, नहीं आ रहा है। रजवाना को आवाज आ रही है, नहीं जा रही है, तो जवाब ही नहीं दे रही। रजवाना हेलो, हेलो रजवाना, सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? आ रही है सर, चलो बढ़िया। तो अब हम लोग पढ़ रहे थे क्या, वेदरिंग के बारे में। तो वेदरिंग की जब तुम बात करते हो, सिंपली अगर हम वेदरिंग का कहानी सुने, वेदरिंग के बारे में बात करें, वेदरिंग डेफिनेटली हमको क्या बता रहा है कि टीयरिंग ऑफ रॉक्स, रॉक्स का जब टीयरिंग होता है या फ्रेगमेंटेशन होता है, वो टूट के कहीं गिर जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम वेदरिंग बोलते हैं, है ना। तो उस प्रोसेस को हम वेदरिंग बोलते हैं। तो इसी चीज को हम क्या बता रहे हैं कि जो फिजिकल वेदरिंग है, फिजिकल वेदरिंग है ये क्या है, प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ रॉक है, ठीक है, ड्यू टू क्या, सम फिजिकल फोर्सेस एसोसिएटेड विथ द फैक्टर्स लाइक फ्लक्चुएशन इन द टेम्परेचर। अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन में, ठीक है, चेंज इन प्रेशर में, या ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल्स की मैं अगर बात करता हूँ, ठीक है, या तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर की बात करता हूँ, या फ्रॉस्ट एक्शंस की बात करता हूँ, इन सब चीजों में क्या हो रहा है, इन सब चीजों में तुम्हारा फिजिकल वेदरिंग प्रोसेसेस को डिफाइन किया जा रहा है, ठीक है, इन सभी में फिजिकल वेदरिंग प्रोसेसेस हो रहा है, ठीक है, इन सभी में तुम्हारा फिजिकल वेदरिंग प्रोसेसेस हो रहा है। अब क्यों होगा, उसका भी कारण है, तो उसको एक एक करके जब हम पढ़ने चलेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि क्यों हो रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ फ्लक्चुएशन इन द टेम्परेचर, तो फ्लक्चुएशन इन द टेम्परेचर में तुम एक चीज नोटिस करो, क्या बोलता है कि जो रॉक है वो पुअर कंडक्टर है, किसका, हीट का, रॉक इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो अगर कोई भी चीज पुअर कंडक्टर होगा हीट का, तो क्या होगा, हीट को जनरली क्या होगा, अंदर आने ही नहीं देगा, करेक्ट। तो अगर मैं बात करता हूँ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, तो इट इज जनरली दैट आउटर सेल ऑफ द रॉक जो है व्हिच इज सब्जेक्टेड टू डायरोनल चेंजेस ऑफ टेम्परेचर, मतलब इनमें डायरोनल चेंजेस हो सकता है, किसमें, हमारा जो आउटर रॉक है, आउटर रॉक में डायरोनल चेंजेस होता है, ठीक है। फिर क्या बोलता है, द प्रोसेस ऑफ स्केली पिलिंग ऑफ द रॉक इज नोन एज एक्सफोलिएशन एंड डी स्क्वामेशन।
देखो दो वर्ड यूज किया, एक तो यूज किया एक्सफोलिएशन और एक यूज किया ड्यूक्वामेशन, ठीक है। अब तुमको ये चीज दिखाई नहीं देगा, ये चीज समझ में नहीं आएगा, तो मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ऐसे नहीं समझोगे, इसको थोड़ा दिखाना पड़ेगा कि चीज है क्या। लेट मी शो यू। डायरूनल मीन्स क्या होता है कि डे एंड नाइट, वेन एवर देयर इज ए चेंजेस इन डे एंड नाइट दैट इज कॉल्ड एज डायरूनल, ठीक है। प्रियंका आवाज क्लियर है? गुड इवनिंग सर। मैं तुमको अभी दिखाता हूँ एक्सफोलिएशन मेथड क्या होता है। एक्सफोलिएशन या डी स्क्वामेशन, ठीक है। ये तो तुमको मेकअप किट दिखा दिया, ये नहीं है एक्चुअली में। यहाँ पे लिखना होगा एक्सफोलिएशन इन वेदरिंग, एक्सफोलिएशन इन फिजिकल वेदरिंग, ये वाला एक्सफोलिएशन नहीं है, ठीक है। तो ये है एक्सफोलिएशन, यही है, दिस वन, यही है, देख सकते हो ये वाला। जो जमीन है ना, जमीन में कभी कभी तुमने देखा होगा पहाड़ों में जब तुम चढ़ने जाते होगे, तो पहाड़ों में जब चढ़ रहे होगे तो ऐसे ना पत्थर के स्लैब बिखरे पड़े होंगे, बड़े बड़े पत्थर के ना ऐसे स्लैब बिखरे पड़े होंगे ऐसे माउंटेन्स में। तो इसका मीनिंग क्या है कि ऊपर में जैसे प्याज का छिलका कट के नहीं गिरता है, वैसे ही यहाँ पे भी ना प्याज के छिलके की तरह वो कट के गिरा हुआ है, ठीक है। समझ में आया इसका मीनिंग क्या हुआ? कृष्णा, रिजवाना, प्रियंका, तीनों समझ में आया? एक्सफोलिएशन मीनिंग क्या हुआ, डी स्क्वामेशन का मीनिंग क्या हुआ, समझ में आया या नहीं आया? पहले ये बताओ, कंफर्म करो, फिर आगे चलें। डिड यू गेट इट? डी स्क्वामेशन, हाँ। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये तुमको फिजिकल वेदरिंग में सबसे पहले जो फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर हो रहा है उसके वजह से ये क्रिएट हो रहा है। फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर अगर होगा, फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर अगर होगा तो इसमें ये चीज होगा। इसमें क्या बोलता है, सिंस द रॉक इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ये पुअर कंडक्टर है हीट का, ठीक है। सो इट जनरली आउटर सेल ऑफ द रॉक व्हिच इज सब्जेक्टेड टू डायरूनल चेंजेस ऑफ द टेम्परेचर, ठीक है, इसके वजह से ये चीज हो रहा है, ठीक है। तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है जिसके वजह से तुम्हारा डायरूनल चेंजेस सिर्फ आउटर सेल में होता है और ऊपर का चमड़ा जो है वो निकल जाता है, यही चीज समझा रहा है। बार बार इसको समझने की जरूरत नहीं है। फिर बात करते हैं चेंज इन द प्रेशर, चेंज इन द प्रेशर ऑफ द रॉक, इसके वजह से क्या होगा। एज वी नो मोस्ट ऑफ द इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड एट ए ग्रेट डेप्थ अंडर ए कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर में तुम्हारा क्या बनता है, रॉक्स बनता है, ठीक है, विच आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज फाउंड एट दी सरफेस ऑफ दी अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ में मिलने वाले से बहुत ही अलग है। कौन? तुम्हारा प्रेशर रॉक जो नीचे मिलता है वो सरफेस से भले ही अलग होता है, सरफेस के बराबर नहीं होता है, बिल्कुल ही अलग होता है, ठीक है। तो उसके वजह से भी तुम्हारा फिजिकल वेदरिंग क्रिएट हो सकता है, क्योंकि अगर मैं बात करूं कोई रॉक, अगर एक रॉक दूसरे रॉक के ऊपर ऐसे दबना शुरू हो जाएगा तो उसमें भी क्या टूटने के चांसेस हैं, ठीक है। एक रॉक दूसरे रॉक को जो है कमजोर बना के उसको भी तोड़ सकता है, करेक्ट। फिर बात आता है तुम्हारा ग्रोथ ऑफ द क्रिस्टल्स, ठीक है, क्रिस्टल्स के ग्रोथ की बात करें तो क्या बोलता है कि अलोंग विथ वाटर मोस्ट ऑफ द सॉल्युबल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द रॉक्स एंड मिनरल्स एंटर द रॉक्स थ्रू इट्स फ्रैक्चर एंड जॉइंट्स, ठीक है, थ्रू इट्स फ्रैक्चर्स एंड जॉइंट्स विद द एवेपोरेशन ऑफ द वाटर, विद द एवेपोरेशन ऑफ द वाटर द सॉल्ट इट कंटेन्स स्टार्ट क्रिस्टलाइजिंग। क्या बोलता है कि देखो रॉक के अंदर अगर कोई वाटर चला गया और वो ऑलरेडी क्या है, तुम्हारा सॉल्ट से भरा हुआ है, अचानक से क्या हुआ कि वो सॉल्ट वहां पे जम गया और वो क्रिस्टलाइज करने लगा, ठीक है। सॉल्ट जम के वहां क्रिस्टलाइज करने लगे और क्या करने लगे, वो उसको तोड़ने लगेगा, मतलब उसको तोड़ना शुरू कर देगा। किसको? तुम्हारे रॉक को तोड़ना शुरू कर देगा, क्रिस्टलाइज करके तुम्हारे रॉक को अगर तोड़ना शुरू कर देगा तो क्या होता है कि जैसे कि पानी के फॉर्म में रहता है, पानी तो इजीली निकल सकता है रॉक के फ्रैक्चर से, बट अगर वो पानी के फॉर्म में ना हो, सपोज करो कि वो पानी के फॉर्म में ना हो,
अचानक से पानी उसे एवेपोरेट कर गया, तो सॉल्ट भर जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा, रॉक के अंदर सॉल्ट भर जाएगा। तो अगर रॉक के अंदर सॉल्ट भर जाता है तो वो भी क्या करेगा, साइड में प्रेशर डालेगा। जैसे ही साइड में प्रेशर डालेगा वो तोड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब क्या होता है कि यहां पे वो समझाया कि एज द क्रिस्टल ग्रोज दे एग्जर्ट लार्ज एक्सपेंसिव स्ट्रेस दैट रिजल्ट इन दी वीकनिंग ऑफ दी रॉक्स, ठीक है। क्रिस्टल अगर ग्रो करेगा तो उसका एक्सपेंशन भी ज्यादा होगा और वो ज्यादा स्ट्रेस डालेगा तुम्हारे रॉक को वीक करने के लिए। फिर अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, उनमें फ्रैगमेंटेशन क्रिएट हो जाएगा, फ्रैगमेंटेशन प्रोसेसेस शुरू हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, तुमको दिख रहा है कि नहीं स्क्रीन? पहली बात तो थोड़ा मैं खिसका देता हूँ ताकि तुमको अच्छे से दिखे भी तो सही। तुमको दिख रहा है? तो मैं बात करता हूँ, अगर यहाँ भी तुम ऑब्जर्व करो तो ये क्या बता रहा है कि अगर रॉक में एक्सपेंसिव होगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, तो वो भी वेक करेगा और उसको फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस में ले जाएगा, मतलब तोड़ देगा, ठीक है। देन कम्स फ्रीजिंग ऑफ वाटर। अगर फ्रीजिंग हो रहा है, वाटर की फ्रीजिंग हो रही है, तो उसमें क्या होगा, वाटर एज वी नो एक्सपैंड बाई 9% इन दी वॉल्यूम, 9% से वो क्या करता है, वॉल्यूम इंक्रीज करता है व्हेन इट फ्रीजेस, ठीक है। जब ये फ्रीज करता है तो क्या होता है, तब वाटर ट्रैप्ड इन द पोर्स फिशर एंड क्रेवासेस ऑफ द रॉक व्हेन फ्रीज एग्जर्ट एनार्मोस प्रेशर, एनार्मोस प्रेशर डालता है ऑन द वॉल्स ऑफ द फिशर, ठीक है। वॉल्स में बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहा है कौन, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, फ्रॉस्ट एक्शन होता है, करेक्ट। अब फ्रॉस्ट एक्शन में क्या होता है कि वाटर प्रेजेंट इन द ग्राउंड व्हेन फ्रीजेस, अगर ये फ्रीज कर जाएगा, लेयर्स ऑफ आइस टेंड टू फॉर्म एंड मोर वाटर इज ड्रॉन टू द फ्रीजिंग लेयर ऑफ द आइस बाय कैपिलरी एक्शन। फ्रॉस्ट एक्शन से भी पॉसिबल है कि वो टूटेगा, ठीक है। अगर ग्राउंड में वाटर मौजूद है, ठीक है, और लेयर्स ऑफ आइस टेंड टू फॉर्म मोर एंड मोर वाटर, ठीक है, फ्रीजिंग लेयर पे भरेगा, कैपिलरी एक्शन राइज होगा, तो भी ये बनेगा, ठीक है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, लेकिन फिजिकल वेदरिंग का एक ही फेनोमेना है, आइदर वो स्ट्रेस डालेगा रॉक में तो तोड़ेगा, आइदर वो ऊपर में एक्सपैंड और कंट्रैक्शन होगा तो उसमें ऐसे छिलके की तरह निकलेगा। दो ही इसमें काम कर रहे हैं, ठीक है। अब तुमको किससे जस्टिफाई करना है, कौन सा पॉइंट किसके लिए लागू होता है, वो चीज मैंने यहाँ पे समझा दिया, बस इसको डिस्क्राइब कर देना एग्जाम में। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो, जैसे कि मैं बात करता हूँ, शुरू शुरू में एक बैक ब्लैक लाइन लिख रहा है, द ब्लैक लाइन्स इन द रॉक रिप्रेजेंट्स द फ्रैक्चर दैट आर ऑकरिंग इन द रॉक्स, मतलब फ्रैक्चर बन गया किसमें, रॉक्स में, करेक्ट। फिर क्या होता है, द ब्लू लाइन्स इन द रॉक रिप्रेजेंट वाटर सोकिंग इन टू द फ्रैक्चर, सोक कर जाएगा, मैं जाके ये सोक कर गया, मतलब पानी को अंदर ले लिया। फिर क्या हो रहा है, द वाटर फ्रीजेस एंड एक्सपेंड, यहाँ पे वाटर फ्रीज करता है और एक्सपेंड कर जाता है, ठीक है। एंड इफ दिस साइकिल ऑफ फ्रीजिंग एंड एक्सपेंशन एंड थॉइंग कंटिन्यूज द रॉक्स विल ग्रेजुअली डिसइंटीग्रेट, टूट जाएगा, ठीक है। रॉक जो है वो ग्रेजुअली टूट के फिर बिखर जाएगा, तो जैसे ही ये बिखर जाएगा, ये वाला पोर्शन जो है ये टूट के अगर बिखर गया तो खत्म, ये टूट के बिखर गया, ये पूरा ही खत्म हो जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। यही चीज वो समझा रहा है। अब हम सेकेंड टॉपिक पे चलते हैं जो कि है केमिकल वेदरिंग। तो केमिकल वेदरिंग क्या बता रहा है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ मिनरल अल्टरेशन, मिनरल इसमें अल्टरेशन हो जाता है, विच कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ मिनरल अल्टरेशन, मिनरल्स में थोड़े अल्टरेशन होता है, विच कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, वेयर बाई द प्राइमरी मिनरल्स जो है उनमें क्या है, ओरिजिनल सिलिकेट मिनरल्स ऑफ इग्नियस रॉक्स आर
कन्वर्टेड इनटू न्यू कंपाउंड द सेकेंडरी मिनरल्स। अब देखो बहुत ही सिंपल चीज है कि अगर मेरे पास कोई मिनरल है और मैं उसकी ना स्ट्रक्चर या केमिकली उसको चेंज कर देता हूँ, एक अलग तरीके का मिनरल बना देता हूँ, देन इट इज कॉल्ड एज मिनरल अल्टरेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इफेक्टिवनेस देखा जाता है। ठीक है, इफेक्टिवनेस ऑफ दीज केमिकल वेदरिंग डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स। स्मॉलर द पार्टिकल हैव ग्रेटर सरफेस एरिया, जितना छोटा है उसका सरफेस एरिया उतना ज्यादा है, एंड आर मोर परवेसिव टू द केमिकल वेदरिंग, ज्यादा ही परवेसिव है केमिकल वेदरिंग की तरफ। ठीक है, स्मॉलर पार्टिकल होंगे, ग्रेटर सरफेस एरिया होगा, ज्यादा केमिकल वेदरिंग को प्रोन होगा। ठीक है, और दूसरा क्या पॉइंटर है, कंपोजिशन ऑफ द रॉक। अगर छोटा मोटा कंपोजिशन रॉक का जो है इतना हल्का फुल्का रख दोगे, जैसे कि कैल्साइट की बात करें, इसके हार्डनेस बिल्कुल ही कम है, डायमंड होता तो नहीं टूटेगा भाई, बट कैल्साइट होगा तो डेफिनेटली टूट जाएगा। ठीक है, तो ये भी डिपेंड करता है कि किस तरीके का कंपोजिशन है रॉक का, उसके बेसिस पे भी ये चलता है। ठीक है, फिर क्या बोलता है कि इफ द रॉक्स आर कंपोज मोस्टली ऑफ क्वार्ट्ज वेदर्ड लिटिल स्लोली कंपेयर टू दी फेरोमैग्नेटिशियन मिनरल्स। फेरोमैग्नेशियन मिनरल से थोड़ा कंपैरिजन में क्या होता है, स्लो विदर होता है। कौन? तुम्हारा क्वार्ट्ज। ये तुम पढ़ चुके हो किसमें, बोमेंस रिएक्शन सीरीज में, जो पढ़ा रखा हूँ पहले। ठीक है, तो ओलिविन और ऑगाइट जैसे मिनरल जो हैं वो जल्दी क्या हो जाते हैं, तुम्हारे वेदर हो जाते हैं, क्योंकि वो फेरोमैग्नेशियन मिनरल है और बोमेंस रिएक्शन सीरीज में सबसे ऊपर आते हैं, क्योंकि वो सबसे पहले क्रिस्टलाइज करते हैं। तो सबसे पहले जो मैग्मा से क्रिस्टलाइज करता है उसका जो क्रिस्टल साइज होता है वो बड़ा बड़ा होता है, वो अच्छे से बनता नहीं है। तो जिसके क्रिस्टल्स अच्छे से ग्रो ही नहीं होते हैं वो तो जल्दी ही टूटेगा ना, सीधी सी बात है। फिर क्या है कि फेवरेबल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंडीशंस भी इसमें लागू होता है। ठीक है, अब क्या बात आ रहा है कि टाइप्स ऑफ केमिकल वेदरिंग प्रोसेसेस। ठीक है, इनमें क्या है, इनमें भी टाइप्स है कि क्या क्या टाइप्स है। पहला आता है हाइड्रोलाइसिस, नाम से समझ में आता होगा कि ब्रेक करता है मिनरल को ऑन द बेसिस ऑफ द क्या, वाटर डालोगे तो ब्रेक करेगा। वाटर डालोगे तो ब्रेक कर जाएगा, करेक्ट? दिख रहा है या नहीं दिख रहा है सर, मतलब समझा नहीं, विथ एवापोरेशन मतलब समझा नहीं, क्या पूछ रहे हो, क्या पॉइंट पूछ रहे हो कृष्णा, विथ एवापोरेशन मतलब व्हाट आर यू आस्किंग, क्या पूछ रहे हो विथ एवापोरेशन मतलब, हम समझ नहीं पा रहा हूं मैं क्या बोल रहे हो। पूछा ना तुमने कुछ विद एवेपोरेशन, बताओ क्या पूछ रहे थे, बाद में पूछ लूंगा। ओके ठीक है, देखो जब हम हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस को जानने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि इट इज ए प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज रिएक्शंस बिटवीन द बेसिस ऑफ मिनरल्स एंड द हाइड्रोजन आयन्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिकल डिसोसिएटेड पार्ट ऑफ द वाटर। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ रिएक्शंस क्रिएट होते हैं। ठीक है, फिर क्या बोलता है कि एज वी नो वाटर इज एन एक्टिव केमिकल एजेंट, एक एक्टिव केमिकल एजेंट है, बिकॉज इट इज ऑलवेज टू सम एक्सटेंट डिसोसिएटेड इन टू एच प्लस एंड ओ एच माइनस आय। ठीक है, सो द एसिडिटी एंड एल्कलिनिटी ऑफ वाटर इज मेजर्ड बाई द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स। हाइड्रोजन आयन्स के बेसिस पे तुम हाइड्रोलिसिस को मेजर कर सकते हो। अब वाटर का तो काम ही है कि वो एच प्लस आयन रिलीज करेगा और ओ एच माइनस आयन रिलीज करेगा, जिससे कि तुम्हारे जो बेसिक मिनरल है उनमें आइदर एसिड के वजह से टूटेगा या तो बेस के वजह से टूटेगा, एसिड बेस रिएक्शन की वजह से ही टूटेगा। तो इनको मेजर करने के लिए हमको पीएच वैल्यू की जरूरत पड़ती है। तो वाटर बोलता है कि वाटर हैविंग पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7, ये तो जानते हो, अल्कलाइन है, लेस देन 7 एल्केलाइन, एसिडिक नेचर है, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है।
तो एच प्लस आयन जब तुम्हारा डोनेट हो रहा है तो तुम्हारा कुछ बन रहा है, जैसे कि यहाँ पे तुम देख सकते हो ऑर्थोक्लेज। ऑर्थोक्लेज का फॉर्मूला क्या है? पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, उसमें वाटर मैंने जोड़ दिया, तो वाटर क्या करेगा, एक रिएक्शन बना के देगा। ठीक है, रिएक्शन क्या है? HAlSi3O एल्यूमिनो सिलिसिक एसिड बनेगा प्लस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जिससे कि ये रिएक्शन तुमको दिख रहा है कि हाइड्रोलाइसिस हुआ। हाइड्रोलाइसिस मतलब इसमें से पोटेशियम आयन को तोड़ दिया किसने, वाटर ने तोड़ दिया पोटेशियम आयन को और एच प्लस आयन उसकी जगह रिप्लेस कर गया। ठीक है, इसका मतलब है कि एक कैटायन को दूसरे कैटायन ने क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई भारी भरकम कॉन्सेप्ट नहीं, फटाक से याद हो जाना चाहिए तुमको। फिर बात करते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस की। दिख नहीं रहा होगा, लेट मी ठीक है, विजिबल है ना या नहीं है? रजवाना, प्रियंका, इज इट विजिबल और नॉट? दिख रहा है या नहीं दिख रहा है स्क्रीन वगैरह? यार सही है स्क्रीन या नहीं है? हाँ विजिबल है, ओके। फिर बात करते हैं तुम्हारे ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस की। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस में क्या हो रहा है? द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स द केमिकल यूनियन ऑफ ऑक्सीजन एटम विद द एटम्स ऑफ अदर मेटेलिक एलिमेंट, मतलब ऑक्साइड्स बनाना। ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा किसी भी एटम के साथ तो डेफिनेटली वो क्या बनाएगा, ऑक्साइड्स बनाएगा। ठीक है, सो द मिनरल्स आर अल्टर्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स, जैसे कि मैंने बोला। तो क्या होता है कि फ्री ऑक्सीजन जो है एटमोसफेयर में बहुत ज्यादा मौजूद है और एयर जो है इजीली डिजोल्व हो जाता है वाटर में एंड इज द मोस्ट रिएक्टिव केमिकल एजेंट में से माना जाता है। तो अगर हम देखें कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस रिएक्शन, तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं पाइराइट। पाइराइट में अगर हम कुछ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को ऐड कर दें वाटर के प्रेजेंस में, क्या बनेगा उससे? फेरस सल्फेट। ठीक है, प्लस क्या बनेगा तुम्हारा? फेरिक सल्फेट। एक तो फेरस सल्फेट बनेगा, दूसरा फेरिक सल्फेट बनेगा, प्लस क्या बनेगा तुम्हारा? लिमोनाइट, एक अलग तरीके का मिनरल। देखो बहुत सारी चीजें बना, एक तो बना फेरस सल्फेट उसमें भी ऑक्सीजन आ गया, एक बना फेरिक सल्फेट उसमें भी ऑक्सीजन आ गया, तीसरा क्या बना? लिमोनाइट, उसमें भी ऑक्सीजन आ गया। तो तीन अलग अलग कंपाउंड बने, अलग अलग कंपाउंड में तुम्हारा आ गया क्या, ऑक्सीजन आ गया, जुड़ गया, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, ये भी प्रोसेस काम कर रहा है, देन कॉल्ड कार्बोनेशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस, ये गैस है एंड इट्स कॉमन कंस्टिट्यूएंट व्हिच इज एडेड टू द मिनरल्स टू फॉर्म सर्टेन कार्बोनेट। सर्टेन कार्बोनेट्स को बनाने के लिए इसको ऐड किया जाता है। अब हम बात करते हैं रेन वाटर की। तो रेन वाटर इन कोर्स ऑफ इट्स पैसेज थ्रू द एटमोसफेयर, एटमोसफेयर में जब ये चलता है इट डिजॉल्व्स सम ऑफ द CO2 प्रेजेंट इन द एयर। एयर में थोड़ा जो CO2 मौजूद है उसको क्या करता है, ये डिजॉल्व कर लेता है। ठीक है, रेन वाटर जब अपना चलता है तो डिजॉल्व कर लेता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वही तुम्हारा कार्बोनेट बनाने में काम आ रहा है। तुम यहाँ देख सकते हो कि वाटर रेन वाटर बोले, ये जाके जब CO2 के साथ मिल जा रहा है तुम्हारा क्या बन रहा है, H2CO3 बन रहा है, कार्बनिक एसिड बना रहा है। फिर तुम्हारा आता है कैल्शियम कार्बोनेट वाटर एंड CO2, ठीक है, वो फिर मिलके क्या बना देंगे तुम्हारे, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट बना लिए यहाँ पे तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी तुम्हारा क्या हो रहा है, कार्बोनेशन को लीड कर रहा है, कार्बोनेशन प्रोसेसेस को दिखा रहा है। ठीक है, अब हम अपने मेन टॉपिक जो हम पढ़ने वाले थे दैट इज सॉइल ओरिजिन।
सॉइल ओरिजिन एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से सुनने की जरूरत है। एक बार देख लो, फिगर याद रहेगा तो बहुत अच्छे से बना लोगे। ठीक है, अब इनमें क्या है कि छह लेयर है, एक ओ लेयर है, एक टॉप सॉयल लेयर है, एक एल्यूवेशन लेयर है, सब सॉयल लेयर है, एक पेरेंटल रॉक है, एक बेड रॉक है। ठीक है, अब हम बेड रॉक की बात करते हैं। ठीक है, बेड रॉक वो रॉक होता है जो कि ग्राउंड वाटर के भी नीचे होता है, समझ रहे हो? बेड रॉक वो रॉक होता है जो कि ग्राउंड वाटर के नीचे भी मौजूद होता है, एक ग्राउंड वाटर से भी काफी नीचे मौजूद होता है। बेड रॉक आराम से ग्राउंड वाटर से बहुत नीचे मौजूद होता है। कौन? बेड रॉक जो होता है वो ग्राउंड वाटर से भी नीचे मौजूद होता है। तो बेडरॉक जब तुम देखते हो, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है यार? हाँ, तो जब हम बात करते हैं बेडरॉक की, तो इसमें जो पहला लेयर है वो तो ऑर्गेनिक लेयर है, दैट इज ऑर्गेनिक लेयर। ठीक है, ऑर्गेनिक लेयर में हमको क्या दिख रहा है? ह्यूमस दिख रहा है, करेक्ट। फिर आता है तुम्हारा मिनरल विथ ह्यूमस, टॉप सॉयल। पहला है ऑर्गेनिक लेयर, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा टॉप सॉयल, मिनरल्स विथ ह्यूमस। फिर आता है तुम्हारा इल्यूविएशन लेयर, फिर बी, फिर सी, फिर बेड रॉक। तो बेड रॉक से शुरू करते हैं। तो बेड रॉक बोलता है कि एक अनवेदर्ड पेरेंट रॉक है। अनवेदर्ड मतलब बहुत साल से क्या हुआ है, वो वेदर नहीं हुआ है, ग्राउंड वाटर के नीचे है, काफी नीचे है, तो ये वेदर नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हाई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेरेंटल रॉक की। तो पेरेंटल रॉक जो है वो पार्शियली वेदर्ड होता है। ठीक है, पेरेंट रॉक उसके ऊपर जो होता है वो एक भी वो भी एक पेरेंट रॉक होता है, लेकिन वो बहुत ही कम ही वेदर्ड हुआ होता है। अब इसके ऊपर एक लेयर आता है जिसको हम बोलते हैं सब सॉयल। सब सॉयल मतलब डिपोजिटेड मिनरल्स एंड मेटल सॉल्ट्स। अब यहाँ पे जो मिनरल्स डिपॉजिट हो रहे हैं वो आ कहाँ से रहे हैं? तो पूछेगा कि वेन इट वेयर फ्रॉम इट इज कमिंग, के बात भी यहाँ है, ये आ कहाँ से रहे हैं? तो पूछ सकता है कि ये जो डिपॉजिटेड मिनरल्स आप बोल रहे हैं बी लेयर में, ये कहाँ से आ रहे हैं? तो ये आ रहे हैं तुम्हारे उसके ऊपर वाले लेयर से, जिसको हम बोलते हैं इल्यूविएशन लेयर। ठीक है, ये आ रहे हैं तुम्हारे इल्यूवेशन लेयर से। इल्यूवेशन लेयर से जब आ रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है कि लीचिंग हो रहा है। पे लिखा हुआ है कि मिनरल्स की जब लीचिंग हो रही है तो ऑर्गेनिक मैटर में क्या हो रहा है, तुम्हारा पोल्यूशन पड़ सकता है। सॉइल पोल्यूशन में अगर हम बात कर रहे हैं, लीचिंग हो जाए ऊपर से, तुम्हारा अगर हार्मफुल मटेरियल लीच कर जाए तो नीचे चला जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, मेटल सॉल्ट्स के फॉर्म में डिपॉजिट होगा। तो मेटल सॉल्ट्स के फॉर्म में अगर डिपॉजिट होगा तो तुम्हारा क्या होगा, वो सब सॉइल बन जाएगा। तो यही हो रहा है, तो सब सॉइल पर ये बनता है। लेकिन इस लेयर का भी एक नाम है, किस लेयर का? जो ये बी लेयर तुम पढ़ रहे हो, इसका भी एक नाम है, इसको बोलते हैं इल्यूविएशन लेयर। वहां पे ई था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ILL, इल्यूविएशन। ठीक है, इल्यूविएशन लेयर, ये चीज याद रखना, कौन सा इल्यूविएशन लेयर है, कौन सा एल्यूविएशन लेयर है, इनमें तुमको फर्क समझ में आना चाहिए। अगर फर्क नहीं समझ में आएगा तो गलती करोगे। यू शुड नो द फर्क बिटवीन एल्यूविएशन लेयर एंड इल्यूविएशन लेयर, दिस इज वेरी सिंपल। ये दोनों के बारे में तुमको पता होना चाहिए, तभी तुम क्या बना पाओगे, इस डायग्राम से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तुम इजीली इसको एस्क्राइब कर पाओगे, कौन इसमें इल्यूविएशन है और कौन इसमें एल्यूविएशन है, तुम इसको इजीली बता पाओगे। इसी चीज पे कहानी चलती है कि इल्यूविएशन कौन है, एल्यूविएशन कौन है। ठीक है, जो तुम्हारा सॉयल ओरिजिन से क्वेश्चन आता है ना, वो इसी से जुड़ा हुआ आता है, सीधा इसी से जुड़ा हुआ पूछ देता है, और तुम एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हो क्योंकि तुमको पता ही नहीं होता कि इल्यूविएशन लेयर कौन सा है और एल्यूविएशन लेयर कौन सा है, और एल्यूविएशन लेयर में क्या होता है और इल्यूविएशन लेयर में क्या होता है। तुम फंसोगे इन्हीं दोनों में, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तुम फंसोगे इन्हीं दोनों क्वेश्चन में। तो इस चीज को अच्छे से याद कर लो कि जो लीच्ड लेयर होता है, जिससे मिनरल लीच करके नीचे जाती है, उसको हम बोलते हैं एल्यूविएशन लेयर, और जिसमें तुम्हारा क्या
सब सॉइल में जाके मिनरल डिपॉजिट हो जाता है, मेटल सॉल्ट डिपॉजिट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं एलुवियेशन लेयर। तो इलुवियेशन और एलुवियेशन में ये फर्क है, ठीक है। और ऊपर के लेयर में तुम्हारा ऑर्गेनिक लेयर है, ऑर्गेनिक ह्यूमस है वहां पे, तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो ये सॉइल ओरिजिन का कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर हो गया होगा, ठीक है, इसमें अब कोई डाउट्स नहीं है। दैट बात करते हैं हम सॉइल में। एक्चुअली में दो तरीके के सिलिकेट्स मिलते हैं, एक तो सिलिकेट्स मिलता है, नहीं ये दो तरीके के सिलिकेट्स नहीं, सिलिकेट्स तो बहुत टाइप के होते हैं। एक होता है सिलिकल टेट्राहेड्रल, एक्चुअली में सॉइल के दो स्ट्रक्चर है, एक होता है सिलिका टेट्राहेड्रल और एक होता है एल्यूमिनियम जुड़ा हुआ, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है। ये दो ही स्ट्रक्चर मौजूद हैं तुम्हारे सॉइल में मोस्टली। अब सॉइल तो क्ले से बना होता है, तो क्ले में भी इन सब यही सब स्ट्रक्चर्स वगैरह होते हैं। तो तुम यहाँ देख सकते हो कि जो सिलिकॉन है वो बीच में लाई कर रहा है, और चारों कोने में तुम्हारा ऑक्सीजन है, नीचे भी त्रिकोण बना दिया है और ऊपर में तुम्हारा एक ऑक्सीजन मौजूद है। उसी तरीके से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का तुम देख सकते हो ऊपर नीचे दो दो और साइडवेज में चार, ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं सॉयल का, तो सॉयल में होता क्या है, कोई भी पूछ सकता है कि सॉयल क्या है, क्या होता है उसमें। तो अगर हम बात करते हैं सॉयल का, सॉयल क्या कंटेन करता है, मिनरल पार्टिकल्स रखता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, वाटर होता है और एयर होता है, ये सारी चीजें होते हैं, ठीक है। अब इनमें डिपेंड करता है कि इनका साइज क्या है, अरेंजमेंट क्या है, मिनरल कंपोजिशन क्या है सॉइल पार्टिकल का, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। सो इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट एंड पोर स्पेसेस, इन सब चीजों पर ये डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर, पोर कंटेंट, इन सब चीजों पर डिपेंड कर रहा है। फिर क्या बोलता है कि द सॉइल टेक्सचर रिफर्स टू द कोर्सर फाइट फाइनल फाइनेंस के फाइननेस ऑफ ए मिनरल मैटर इन दिस सॉइल। अब सॉइल टेक्सचर ही दिखाएगा, टेक्सचर का मीनिंग क्या था, फिजिकल अपियरेंस, ठीक है। उसी से तुम बोल सकते हो कि इसमें क्या कहानी है, कैसा कहानी है, ठीक है। फिर क्या बोला जाता है कि इट इज डिटरमाइंड बाय द प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सैंड, सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल्स, इन तीनों के प्रोपोर्शन से ही तुम पता कर सकते हो कि जो सॉइल का टेक्सचर है वो कैसा है। सो द इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ ऑल थ्री ऑफ देम, सारे थ्री का अगर इक्वल प्रोपोर्शन किया जाए तो ये क्या बन जाएगा, नोन एज लोम। देखो कितना बड़ा वर्ड बताया, कि जो लोम है, लोमी सॉइल जिसको बोलते हैं, लोमी कंटेंट जिसको बोलते हैं, उनमें क्या होना चाहिए, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में सैंड, सिल्ट और क्ले मौजूद हो, तो उसको हम लोम बोल देंगे, लोम बोल देंगे, ठीक है। तो सॉइल टेक्सचर जो है वो इफेक्ट करता है किस चीज पे, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी में, न्यूट्रिएंट रिटेंशन में, नाइट्रेंट फिक्सेशन में, ड्रेनेज में, कंप्रेसिबिलिटी में, एयर एयरेशन ऑफ द सॉइल में, इन सब चीजों पे वो डिपेंड करता है, कौन, तुम्हारा जो सॉइल टेक्सचर है, ठीक है। अब इसमें बात आती है क्ले पार्टिकल की, तो क्ले पार्टिकल जो है इनका जो डायमीटर है दैट इज लेस देन 0.022 मिलीमीटर, ठीक है। फिर क्या होता है सिल्ट, सिल्ट का पार्टिकल साइज कितना है, डायमीटर बिटवीन 0.002 मिलीमीटर टू 0.05 मिलीमीटर, ठीक है। देन कम सैंड, सैंड का पार्टिकल साइज कितना है, डायमीटर्स बिटवीन 0.05 एंड 2 मिलीमीटर, ठीक है। ये सारे तुम्हारे क्या है, क्ले और सिल्ट और सैंड के साइजेस है। डायरेक्ट पूछ देगा एग्जाम में ना, डायरेक्ट पूछ देगा कि इसका साइज के साथ मैच कर दो, इट कैन बी पॉसिबल। इसीलिए डीप थॉरो स्टडी करो, साइजेस तक याद होने चाहिए तुमको, ठीक है। ये नहीं रहेगा तो नहीं बना पाओगे। अब यहाँ पे तुमको एक इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने को मिल रहेगा, दैट इज कैटायनिक एक्सचेंज कैपेसिटी, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, हाँ या ना, कैटायनिक एक्सचेंज कैपेसिटी दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, विजिबल है, बीच बीच में पूछना पड़ता है ना, इंटरनेट थोड़ा कभी कभी ग्लिच मार देता है, इसलिए पूछ रहा हूँ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, थोड़ा जूम इन करो, किस चीज को जूम इन करूँ, अभी वो स्लाइड नहीं खोला हूँ, स्लाइड खोलूंगा तो जूम इन हो जाएगा, उसमें क्या है, देखो
अब उसी से जुड़ा हुआ ना, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कि सॉयल, सॉयल में क्ले एक इम्पोर्टेंट पार्ट ऑक्यूपाई करता है, क्ले, ठीक है, क्ले एक इम्पोर्टेंट पार्ट ऑक्यूपाई करता है उसमें, जैसे कि मैं बोलता हूँ स्मैक्टाइट है, वर्मिकुलाइट है, इलाइट है, केओलिनाइट है, क्लोराइट है, ये सब क्या है, मिनरल्स हैं, ठीक है, ये सब के सब मिनरल्स हैं, बट इनमें कुछ खासियत भी है। क्या खासियत है, इनकी जो कैटायनिक एक्सचेंज रेशियो है इसमें वैरी करता है। अब कोई भी पूछेगा सर व्हाट इज द कैटायनिक एक्सचेंज कैपेसिटी, ठीक है, तो सिंपली तुम एक डेफिनेशन पढ़ो, कैटायनिक एक्सचेंज कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ कैटायन दैट कैन बी एक्सचेंज बाई अनदर कैटायन ऑन द सर्फेस ऑफ क्ले मिनरल एक्सप्रेस्ड इन सी मोल पर केजी विच इज न्यूमेरिकली इक्वलेंट टू मीटर इक्वलेंट पर 100 ग्राम वेयर मोल प्लस रिप्रेजेंट्स द मोल ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। करेक्ट, फिर आता क्या, कैटायनिक एक्सचेंज कैपेसिटी, तो सी सी इज हेल्पफुल गॉज फॉर डिटरमाइनिंग द सॉइल फर्टिलिटी। अब देखो क्या बोलता है कि ये एक्सचेंज कैपेसिटी का पावर रखता है। अब सिंपली यहाँ पे तुम एक फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे तुमको फिगर में अच्छे से दिखाया जा रहा है, देखो इट्स वेरी सिंपल, देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो तुम्हारा एच प्लस आयन है, एम जी प्लस आयन है, एच माइनस, एच प्लस, के प्लस, एच प्लस, कैल्शियम प्लस, हो क्या रहा है, क्ले पार्टिकल जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। पहला बेनिफिट ये है, कोई भी क्ले पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज होता है, तो क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज होता है तो उसके साथ जितने भी मिनरल्स हैं उनके जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स में चेंज होने के बाद जब वो बन गए हैं, क्या आयनिक स्टेट पे आ गए हैं, तो जब वो आयनिक स्टेट पे आ जाते हैं तो वो डेफिनेटली किससे चिपक जाएंगे, क्ले मिनरल से चिपक जाएंगे। अब प्लांट का रूट जो है वो तो पानी सक कर रहा है, पानी ले रहा है, तो जब वो पानी ले रहा होता है तो उससे जो मिनरल्स होते हैं, वट एवर द मिनरल इज कमिंग फ्रॉम दैट पार्ट, वो जो प्लांट के रूट से जो भी तुम्हारा आयन्स रिलीज होगा उसमें एच प्लस आयन सबसे ज्यादा होगा क्योंकि वो पानी सोख कर रहा है, तो एच प्लस आयन अगेन तुम्हारा क्या करता है, एक्सचेंज कर देता है। जैसे कि यहाँ पे एच प्लस आयन को एच प्लस रिप्लेस कर दिया कैल्शियम को कैल्शियम, पोटेशियम को पोटेशियम, तो सारे के सारे जो मटेरियल है वो एक दूसरे से एक्सचेंज करके चलते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम कैटायनिक एक्सचेंज कैपेसिटी बोलते हैं डेफिनेटली, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है नेगेटिवली चार्ज क्ले और ह्यूमस पार्टिकल होल्ड एंड स्टोर पॉजिटिवली चार्ज आयन, प्लांट रूट्स एक्सचेंज दी हाइड्रोजन कैटायन फ्रॉम द इजी एसेंशियल न्यूट्रिएंट इट कैन प्रोड्यूस फॉर इटसेल्फ, ठीक है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट जो प्रोड्यूस कर सकता है उसके अलावा वो कुछ कुछ चीजें निकालता है वहां से। करेक्ट, अब तुम एक डायग्राम में ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो कैटायनिक एक्सचेंज कैपेसिटी है, ठीक है, वो 25 होने से क्या होगा, 5 होने से क्या होगा, 5 होने से किसको बताता है, 25 होने से किसको समझाता है, ये चीज तुमको क्लियर होना जरूरी है। तो यहाँ पे तुमको वो चीज भी क्लियर हो जाएगा क्या, कि जो कैटायनिक एक्सचेंज कैपेसिटी है उसमें तुम्हारा सीईसी, जैसे कि हम बात करते हैं, उसमें हेवी क्ले जा जाएगा। जितनी ज्यादा कैटायनिक एक्सचेंज कैपेसिटी बढ़ेगी उतना ज्यादा तुम्हारा क्ले कंटेंट भी बढ़ेगा, यही नियम है। जितना कम तुम्हारा होगा सीईसी इसका मतलब कि उसमें सैंड ही सैंड भरा पड़ा है, ठीक है, तो यही कहानी है, तुम्हारा पूरा जो कहानी है ना वो यही है। यहाँ पे तुम थोड़ा ऑब्जर्व कर सकते हो कि क्ले जब तुम्हारा 25 हो जाता है, 25 हो जा रहा है, क्ले जब तुम्हारा 25 हो जा रहा है तो उसमें क्या हो रहा है कि ज्यादा ही सीसी दिख रहा है, सीसी जो दिख रहा है वो 25 दिख रहा है, क्योंकि इसमें क्या है कि तुम ज्यादा क्ले कंटेंट मतलब ज्यादा तुम होल्ड कर सकते हो, क्या आयन्स को ज्यादा होल्ड कर सकते हो, जितना ज्यादा तुम आयन्स को होल्ड कर उतना ज्यादा तुम एक्सचेंज कर सकते हो, सिंपल सी बात है भाई, जितना ज्यादा क्ले होगा उतना ज्यादा एक्सचेंज प्रोसेसेस भी होगा, तो जितना ज्यादा एक्सचेंज प्रोसेसेस होगा उतना ज्यादा क्या होगा तुम्हारा, उतना ही ज्यादा तुम्हारा क्या होगा, न्यूट्रिएंट कंटेंट जो है तुम्हारा प्लांट्स और ये रूट्स वगैरह जो है ये इसको खींच लेंगे अपने तरफ, तो जितना ज्यादा ये खींचेंगे अपने तरफ उतना ज्यादा तुम्हारा सीसी बनेगा, ठीक है। तो यही चीज वो बता रहा है कि हेवी क्ले में तुम्हारा 50 हो जा रहा है सीसी और तुम्हारा सैंड में तुम्हारा बिल्कुल ही 0 के बराबर सीसी पहुंच जा रहा है, ठीक है। अब इनके सॉयल टाइप में भी कुछ डिफरेंट है, जैसे कि वहां पे तो हाई क्ले कंटेंट, यहाँ पे हाई सैंड कंटेंट, बट इसको करेक्ट कैसे करोगे, पार्ट ये है कि जो तुम्हारा हाई सीसी हो जाएगा उसको करेक्ट करना भी जरूरी है, क्योंकि उसमें क्या है हेवी अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिपॉजिट हो रहा है, सॉल्ट को तो बैलेंस करना जरूरी है ना, क्योंकि जितने भी आयन्स
पॉजिटिवली चार्ज आयन से सब एसिडिक नेचर के होते हैं, मेटल ऑक्साइड सारे एसिडिक होते हैं, तो जितने भी मेटल ऑक्साइड्स मौजूद होंगे उतना ज्यादा एसिडिटी भी तो बढ़ेगा, तो उसको करेक्ट करना पड़ेगा उस सॉइल को यूजिंग लाइम, ठीक है, स्लेक्ड लाइम जो नहीं होता, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसको यूज किया जाता है जिससे कि पीएच बैलेंस हो जाए, ठीक है। अब इनकी तो कैपेसिटी है ही क्योंकि ये ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक गिवन सॉइल डेप्थ में ये बहुत ज्यादा तुम्हारा होल्ड कर सकते हैं, क्या न्यूट्रिएंट्स को होल्ड कर सकते हैं, इनके पास ये कैपेबिलिटी है, ठीक है। बात क्या करता है, फिजिकल रैमिफिकेशन ऑफ द सॉइल विथ हाई क्ले कंटेंट, फिजिकल रैमिफिकेशन भी कर सकता है सॉइल का हाई क्ले कंटेंट के द्वारा, ठीक है। फिर क्या आता है, हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी है इनका, ठीक है, हाई सैंड कंटेंट है, नाइट्रोजन पोटेशियम लीचिंग है, मोर लाइकली लेस लाइम रिक्वायर्ड होता है तुम्हारा सैंड वाले को करने के लिए, ठीक है। तो ये सब चीजें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए तुमको कि किस में क्या यूज होता है, कितना प्रतिशत यूज होता है, ताकि वो कितना अच्छे से उसको बना सके, कितना अच्छे से उसको मैनेज कर सके। ये पोर्शन अगर तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे तो तुम इस पोर्शन को भी अच्छे से क्लियर आउट कर लोगे। कौन सा, CEC 25, CEC 5 वाला जो है इसको तुम क्लियर आउट कर लोगे, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो कैटायनिक एक्सचेंज कैपेसिटी तक तो समझ में आ गया होगा अच्छे से, कैटायनिक एक्सचेंज कैपेसिटी कैसे काम करता है, क्या प्रोसीजर है, व्हाट इज द रोल ऑफ कैटायनिक एक्सचेंज कैपेसिटी, हाउ इट वर्क्स, ठीक है, ये क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ या ना? क्लियर हुआ कैटायनिक एक्सचेंज कैपेसिटी तक? क्लियर हुआ, चलो अब आगे चलते हैं थोड़ा। अब बात करते हैं तुम्हारा सॉइल के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, जैसे कि ग्रैनुलर है, ग्रैनुलर में क्या हो रहा है, रिजेंबल्स दी कुकीज क्रम्स एंड यूजुअली लेस देन 0.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर, 0.5 सेंटीमीटर से कम है डायमीटर में, एक तो कुकीज की तरह दिखता है, खाए हो गए कुकीज तो ऐसे ही दिखते हैं कुकीज, ठीक है। फिर क्या होता है, कॉमनली फाउंड इन द सरफेस ओरिजिन व्हेन रूट्स हैव बीन ग्रोइंग, ठीक है, सरफेस के होरिजन पे मिलता है, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं मिलता है, कौन, ग्रैनुलर है। देन कम्स ब्लॉकी, ब्लॉकी तो जान ही रहे हो 1.5 से 5 सेंटीमीटर का डायमीटर होगा, बड़े बड़े ब्लॉक्स होंगे। प्रिज्मेटिक भी होता है, जैसे कि ऊपर एक होगा ये, नीचे भी एक होगा, सिलेंडर टाइप सा बनेगा, इसको प्रिज्मेटिक फॉर्म में भी लाया जाता है, तो वर्टिकल कॉलम्स बन जाते हैं सॉइल में, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल इफ इस टाइप के भी फीचर्स दिखते हैं। देन कम्स कॉलमनार, ठीक है, ये तो एकदम ही वर्टिकल कॉलम, ठीक है, उसका सॉल्ट कैप रहता है, बहुत छोटा कैप और सॉल्ट कैप रहता है, तो एरिड क्लाइमेट्स में ये भी मिलता है, दिस इज आल्सो हैपनिंग इन द एरिड क्लाइमेट। देन कम्स प्लेटी, प्लेटी जो है फ्लैट सॉइल है, हॉरिजॉन्टली लाई करता है, कंपैक्ट होता है धीरे धीरे, एक के ऊपर एक पड़ के। फिर आता है तुम्हारा सिंगल ग्रेन, सिंगल ग्रेन में क्या हो रहा है कि सॉइल इज ब्रोकन इनटू इंडिविजुअल पार्टिकल दैट डज नॉट स्टिक टुगेदर, ऑलवेज एक्पेंस ए लूज कंसिस्टेंट, कॉमनली फाउंड इन द सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल में यही हाल है, ठीक है, हाथ में लोगे तो बालू की तरह वो टूटा बिखरा पड़ा रहता है। तो ये कुछ कुछ कहानी तुमको पता होना चाहिए, सॉइल के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, ये सब सॉइल के स्ट्रक्चर से नेम याद कर लो तो और ज्यादा बेनिफिट है, जितना ज्यादा अच्छा नेम याद करोगे उतना ज्यादा तुमको यहाँ पे प्रॉफिट होगा। अब आता है सॉइल का टाइप्स ना, ये थोड़ा ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लाइमेट, क्लाइमेट के बेसिस पे डिफाइन किया गया है। तो अगर हम बात करते हैं कहीं कहीं पे क्लाइमेट है, कहीं कहीं पे उसका क्या है, रोल है, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी रोल हो सकता है। तो इंटीसोल्स की बात करते हैं, इंटीसोल क्या है, बहुत ही लिटिल है, छोटा है और हॉरिजिन उसका कम डेवलप हो रखा है, तो ये इंसेप्टिसोल्स है, बाहर से आए हैं इंसेप्ट करने के लिए, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ हॉरिजन डेवलपमेंट, यहाँ पे हॉरिजन डेवलपमेंट की जरूरत है कि नहीं, उन्हीं पेड़ को क्यों उगाए, ये भी बात आती है। फिर आता है एरिडोसोइल, एरिडोसोइल क्या है, सॉइल लोकेटेड इन द एरिड क्लाइमेट, जैसे कि मॉलीसोल है, ठीक है, सॉफ्ट ग्रास एंड सॉइल है, ठीक है। अल्फी सॉइल की बात करें तो उसमें क्या हो रहा है कि डेसिडियस सॉइल है, ठीक है, अब उसमें स्पोडोसॉइल है, यहाँ पे एसिडी कॉनिफेरस फॉरेस्ट सॉइल सब कुछ है, यहाँ पे क्या स्पोडोसॉइल में ये सारी चीजें मौजूद है। इसके बाद आता है अल्टीसॉल, अल्टीसॉल में एक्सटेंसिवली वेदर्ड सॉइल्स हैं, ऑक्सीसॉल्स में एक्सट्रीमली वेदर्ड लेकिन ट्रॉपिकल सॉइल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे तुम अलग अलग डिफरेंसेस देख सकते हो, ये वेदर्ड है, इसमें वेदर्ड होने के साथ ट्रॉपिकल सॉइल भी है। जेली सॉइल क्या है, जो परमानेंट फ्रॉस्ट है, और हिस्टी सॉइल क्या है, जो कि ऑयल ऑर्गेनिक फार्मर मटेरियल को प्रोटेक्ट
प्रदर्शित करती है। देन कम्स एंडीसोल। एंडीसोल क्या है? सॉयल फॉर्मड इन वॉल्केनिक मिनरल्स। वर्टिसोल्स क्या है? श्रिंकिंग एंड स्वेलिंग ऑफ द क्ले सॉइल। ठीक है, ये सब चीजें समझा दिया। ठीक है, तो दिस इज ओवर। इस टॉपिक का जो मोस्ट ऑफ द पोर्शंस था दैट आई हैव ऑलरेडी टॉट यू। चोकोची उसकी तरह है। ठीक है, तो ये जो पोर्शंस था ये क्लियर आउट हो गया है। हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे थोड़ा रिलेटेड टू योर हाइड्रोजियोलॉजी। ज्यादा हाइड्रोलॉजी पोर्शन बचा हुआ है पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा स्ट्रेंथ भी अच्छा रहेगा, थोड़ा हम भागा दौड़ी में है तो समझा नहीं पा रहे सही से। ठीक है, पूरा जो टॉपिक है वो कवर आउट नहीं हो पाएगा, उसमें समय लगेगा। तो आई विल मेक इट इन द लॉन्ग रन ताकि सारे बच्चे भी आ जाए उस दिन। ठीक है, अगली क्लास जो होगी वो फिर कल होगी, तो कल हम लोग फिर इसको आगे जो रिवाइज कर। ठीक है, आज यहीं पे विराम देते हैं आज क्लास को। सर डेली क्लास लिया करो। डेली क्लास लेने के लिए ना थोड़ा स्टेबल भी होना चाहिए। अभी स्टेबल नहीं चल रहा है कहीं पे कुछ भी, घर में थोड़ा अनस्टेबल है, नहीं तो डेली क्लास लेता मैं। बट तुम भी तो नहीं आता है। डेली क्लास लूंगा तो तुम फिर छुट्टी मार देगा, 10 दिन में एक दिन आएगा तो फिर क्या डेली क्लास लेने का फायदा है? तुम लोग तो सब रिकॉर्डेड देख के ही चैंप बन जा रहे हो। कोई कोई देख रहा है 20 20 साल पुराना लेक्चर, कैसे होगा प्रियंका? 20 20 साल पुराना अगर देखोगे बैठ के कैसे होगा? अपडेटेड भी नहीं है ना तुम्हारे नोट्स। नोट्स तो अपडेट कर लो पहले, मैं बता रहा हूँ ना, तुम वीडियो से ना नोट्स बनाओ। ये नहीं इंतजार करो कि कब मैं नोट्स अपलोड करूंगा, कब तुम बनाओगे उसको देख के, ये गलत है। वीडियो लेक्चर सुन के उसमें कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि समझा देता हूँ बट वो मेंशन नहीं करता हूँ। अगर उनको तुम नहीं लिखोगे ठीक है, और उनको तुम इग्नोर कर दोगे और सोचोगे कि नहीं मैं नोट्स तुमको अवेलेबल करूंगा, तब तुम करोगे इजीएस्ट वे निकालोगे। वीडियो नहीं देख के तुम चलोगे इजीएस्ट वे में कि नोट्स मिल गया अब नोट्स को मैं छाप देता हूँ। अगर ये वे तुम अपना लिए तो फिर नहीं होगा, तब नहीं निकलेगा। तुमको प्रॉपर वीडियोस देखने होंगे जो तुम्हारा समय से देखना जरूरी है। अगर तुम समय से सारे वीडियोस को कवर आउट नहीं करोगे तो तुम्हारा समय चला भी जाएगा और तुमसे हो भी नहीं पाएगा ये चीज। ठीक है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू डू इट। चलो अगली क्लास में मिलते हैं, कल मिलते हैं।